सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल द एग्जाम टॉपर्स को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इसे शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द एग्जाम टॉपर्स में। मैं संदीप कुमार झा आप सभी का स्वागत करता हूँ। डेली करंट अफेयर्स के सेशन में जितने भी देश दुनिया से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आज है 13 अगस्त, तो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री मदद योजना हाल ही में किस राज्य ने प्रारंभ या आरंभ की है। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री मदद योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत जनजातीय परिवार में बच्चे के जन्म तथा परिवार के सदस्य की मृत्यु पर सहायता प्रदान की जाएगी। जनजातीय परिवार में लड़के या लड़की के जन्म पर परिवार को 50 किलोग्राम गेहूं तथा चावल प्रदान किए जाएंगे एवं परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु पर सरकार द्वारा 100 किलोग्राम गेहूं अथवा चावल तथा पकाने के लिए बर्तन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ के मुख्यमंत्री कमलनाथ व राज्यपाल लालजी टंडन हैं, जो कि हाल ही में बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है घोटू राम मीणा। जैसा कि घोटू राम मीणा को कांगो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में मीणा एक काउंसलर के रूप में वहाँ पर सेवा प्रदान कर रही हैं, जो कीव व यूक्रेन में भारत का दूतावास है। कांगो की बात करें तो कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राजाविले, यहाँ के राष्ट्रपति फेलिक्स हैं एवं यहाँ की मुद्रा मध्य अफ्रीकी CFA फ्रांक है और जो ये कांगो गणराज्य है एक अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वास्थ्य केंद्रित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किसके द्वारा किया गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है बैंकिंग और SSA के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका सही आंसर है RBL बैंक। निजी क्षेत्र के बैंक RBL बैंक और डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म प्रेक्टो। अब आपको यहाँ पर दोनों चीज़ याद रखना है कि डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म का जो नाम है वह प्रेक्टो है, वह RBL बैंक, इन दोनों ने उद्योग पहले सह ब्रांडेड हेल्थ क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। यह क्रेडिट कार्ड मास्टर कार्ड द्वारा संचालित है। RBL बैंक का नया क्रेडिट कार्ड डॉक्टरों के साथ ऑनलाइन परामर्श और मुफ्त स्वास्थ्य जांच जैसे लाभ प्रदान करता है। जैसा कि RBL बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1943 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यस बैंक के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है अनुराग अदलखा। यस बैंक ने मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में राम आहूजा के स्थान पर अनुराग अदलखा की नियुक्ति की घोषणा की है। आहूजा अब बैंक की रणनीति, योजना और कार्यों के प्रभारी होंगे। अदलखा पहले वरिष्ठ समूह अध्यक्ष और वित्तीय प्रबंधन एवं रणनीति के प्रमुख हैं। यस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है व इसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर स्पोर्ट्स में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं। तो स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसके आने वाले एक दो क्वेश्चंस। तो इसका सही आंसर है ऐश्वर्या पिस्से मोटर स्पोर्ट्स में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उन्होंने हंगरी में वार्फालोता में फेडरेशन इंटरनेशनल मोटरसाइकिल महिला चैंपियनशिप का फाइनल का खिताब जीता है। बेंगलुरु की ऐश्वर्या ने जूनियर वर्ग की स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजर्स कप का खिताब हाल ही में किसने जीता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है राफेल नडाल ने अपना 5वां रोजर्स कप खिताब हाल ही में जीता है। स्पेन के राफेल नडाल और कनाडा की बियांका एंड्रुस्के ने यहाँ अपने अपने वर्ग में रोजर्स कप का खिताब जीता है। आपको दोनों व्यक्तियों का नाम याद रखना है। पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में नडाल ने रूस के डेनिल मेदवेदेव को मात देकर अपना यह खिताब बचाया एवं महिला एकल वर्ग के फाइनल में अमेरिका की सेरेना विलियम्स चोट के कारण रिटायर हो गई, जिसके कारण एंड्रुस्के को यह खिताब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि भारत के बाहर किसी अन्य देश में भारतीय की नियुक्ति होना भारत के लिए काफ़ी बड़ी बात होती है। तो क्वेश्चन यह है कि फिजी के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस या न्यायाधीश किसे बनाया गया है। तो इसका सही आंसर है पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर ने सोमवार को फिजी के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश पद की शपथ ली है। वे फिजी में अप्रवासी पैनल का हिस्सा होंगे। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। यह पहला मौका है जब कोई भारतीय जज दूसरे देश की शीर्ष अदालत में जज बना हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों रहा है आप समझ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस रिफाइनरी का 20% हिस्सा हाल ही में किस कंपनी के द्वारा खरीदा जाएगा या कौन खरीदेगा? तो यह बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है हमारे सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यह देश की सबसे बड़ी डील होने जा रही है। देश के साथ साथ यह रिलायंस की भी सबसे बड़ी डील है। तो इसका सही आंसर है अरामको, जो कि सऊदी अरब की एक कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्री अपने ऑयल टू केमिकल कारोबार का 20% हिस्सा सऊदी अरब की सरकारी कंपनी सऊदी अरामको को बेचेगी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरामको, यह डील $15 अरब, आपको दोस्तों यहाँ पर रुपए भी याद रखना है कि डील कितने में हो रही है, तो $15 अरब यानी करीब 1.06 लाख करोड़ रुपए में होने जा रही है। इसके अलावा ऑयल सेक्टर में यह देश का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष निवेशी विदेशी निवेश अर्थात FDI होगा। इसके साथ ही रिलायंस अपने पेट्रोल पंप के कारोबार का 49% हिस्सा ब्रिटिश तेल कंपनी BP इंक को बेचेगी और यह डील करीब 7,000 करोड़ रुपए में की जाएगी। इसके अलावा जियो ने अपने आने वाले समय के लिए कई 7 प्लान भी हैं जिनका ऐलान किया है, जिनमें गीगा फाइबर, फ्री TV जैसी कई अलग अलग उसने घोषणाएं की हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि न्यू कॉमर्स नाम से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किस कंपनी ने उतारने का निर्णय लिया है? तो जैसा कि ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में यह एक नया कदम होने जा रहा है, मुकेश अंबानी न्यू कॉमर्स नाम से ई कॉमर्स रिटेल कंपनी मार्केट में उतारने जा रहे हैं। कंपनी इससे अमेजन समेत दूसरी बड़ी कंपनियों को टक्कर देगी। रिलायंस इंडस्ट्री देश में दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन टू ऑफलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाने की योजना पर काम कर रही है, जिसे न्यू कॉमर्स के नाम से जाना जाएगा। और यह रिलायंस का सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च होने जा रहा है, जो कि दुनिया की जितने भी शीर्ष ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट, इन सभी को टक्कर देने में कार्य करेगा। तो यह था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।